नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा सातवीं के भूगोल विषय में हम आज लेकर प्रस्तुत हैं मानवीय बस्ती का स्वाध्याय। प्रश्न एक, संक्षेप में उत्तर लिखना है। मानवीय बस्ती के विविध प्रकारों को स्पष्ट करो। उसका उत्तर इस प्रकार से है, मानवीय बस्ती के विविध प्रकार हैं, बिखरी हुई बस्ती, उसके बाद है केंद्रित बस्ती, के बाद है रेखाकार बस्ती। यहाँ देखिए रेखाकार बस्ती, ये विभिन्न प्रकार हैं। इनका संक्षिप्त उत्तर लिखने के लिए हम पहले बिखरी हुई बस्ती लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद केंद्रित बस्ती में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सब एक ही प्रश्न का उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर ही है सर, यहाँ से यहाँ तक संक्षेप में हुआ। दूसरा है प्रश्न, केंद्रित एवं बिखरी बस्तियों की विशेषताएं लिखो। अब विशेषताएं लिखते हैं, केंद्रित एवं बिखरी हुई बस्तियों की विशेषताएं। तो केंद्रित बस्ती की विशेषता यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर। और बिखरी हुई बस्ती की विशेषता पेज नंबर 65 पर यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हमें दो जगह से लिखना है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले विविध घटकों को स्पष्ट करें। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है, सदैव ध्यान में रखें, उसके नीचे लिखा हुआ है मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले घटक। ये सभी घटकों को लिखना है, चाहे आप इस तरह से चौखट बना के लिखिए, चाहे ये लिखने के बाद उसके नीचे इसको लिखिए और उसके नीचे इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा, मानवीय बस्तियों का प्रारंभ किस प्रकार हुआ होगा। मानवीय बस्तियों का प्रकार का प्रारंभ, मानव जब एक जगह खेती करने लगा और इस तरह से उसे स्थायित्व प्रदान हुआ, उसकी यायावरी बंद हुई, यहाँ वहाँ भटकना उसका बंद हुआ, तब धीरे धीरे मानवीय बस्तियों का प्रारंभ हुआ होगा। पांचवा प्रश्न, इसका चौथे का प्रश्न का उत्तर जो मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। पांचवा प्रश्न, बस्ती और गांव, इन दो मानवीय बस्तियों में पाया जाने वाला अंतर। बस्ती और गांव, गांव में घर दूर दूर होते हैं और बस्ती में गाँव घर नज़दीक होते हैं, दोनों में बस यही अंतर है। प्रश्न दूसरा, निम्न कथनों के आधार पर मानव बस्तियों के प्रकार पहचानो और लिखो। खेत में रहने से उसके समय और पैसों की बचत होती है, ये होता है बिखरी बस्ती में। दूसरा प्रश्न है, बस्ती में सामाजिक जीवन स्तर अच्छा होता है, ये है केंद्रित बस्ती है। तीसरा, सड़कों के दोनों ओर दुकानें होती हैं, ये रेखाकार बस्ती की विशेषता है। यह बस्ती समुद्र तटवर्ती क्षेत्र और पहाड़ी तलहटी में होती है, ये रेखाकार बस्ती में होता है। प्रत्येक परिवार के मकान एक दूसरे से दूर होते हैं, ये बिखरी हुई बस्ती में होता है। अगला प्रश्न है, छठवां, यह बस्ती सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी होती है, केंद्रित बस्ती है। मकान दूर दूर होने से स्वाद की दृष्टि से अच्छे होते हैं, बिखरी हुई बस्ती है। मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, केंद्रित बस्ती है। तीसरा प्रश्न, ढांटी का निरीक्षण करके दी गई जानकारी के आधार पर बस्तियों के प्रकार बताओ। ए, बस्ती में 5 से 6 घर हैं तथा गांव में अन्य सुविधाएं नहीं हैं, यह बिखरी हुई बस्ती का प्रकार है। आ, बी, बस्ती में माध्यमिक विद्यालय तथा बड़ा बाजार और छोटा थिएटर है, ये रेखाकार बस्ती है। सी, बस्ती में मकान, खेती, अनेक दुकानें और उद्योग धंधे हैं, ये भी रेखाकार बस्ती है। डी, बस्ती एक प्राकृतिक बंदरगाह है, वहाँ अनेक उद्योग धंधे स्थापित हैं, ये केंद्रित बस्ती है। सी, ये रेखाकार बस्ती है, उसके यहाँ विकसित होने के दो कारण, बढ़ती जनसंख्या और विकसित होते उद्योग के कारण ये रेखाकार बस्ती का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ए, बी, सी, इस प्रकार की ये बस्ती दी गई है। यहाँ पर सूची यहाँ दी गई है। इस प्रकार से हमारा इस 10वीं पाठ के स्वाध्याय का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।